मैं राजपूत, आप देख रहे हैं टेन न्यूज। आज उत्तराखंड सांस्कृतिक समिति ग्रेटर नोएडा ने अपने भव्य वार्षिक उत्सव का आयोजन किया है। आइए बात करते हैं उत्तराखंड सांस्कृतिक समिति ग्रेटर नोएडा के अध्यक्ष जेपीएस रावत जी से। सर, क्या कहना चाहेंगे, आपका जो आज 10वां वार्षिक उत्सव हुआ है उसके बारे में किस तरह का आयोजन किया गया है? काफी भारी मात्रा में यहाँ भीड़ दिख रही है, बहुत ही गानों पे लोग झूम रहे हैं, तो किस तरह का आयोजन है? ये हमारा 10वां कार्यक्रम था। हम हर साल अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ के, वहाँ जो उत्तराखंडी लोग हैं उन लोगों को वहाँ की कला से, वहाँ के रीति रिवाजों से परिचित करने के लिए हर साल ये प्रोग्राम करते हैं। दो साल बीच में कोविड की वजह से नहीं कर पाए थे, इस साल फिर ये हम लोग प्रोग्राम कराया गया। इसमें जो मुख्य अतिथि थे DIG AS रावत साहब थे, जो ITBP के हैं, और उसके अलावा जितने उत्तराखंड के डॉक्टर्स ग्रेटर नोएडा के हॉस्पिटलों में हैं सबका हमने सम्मान करवाया। इसके अलावा मीडिया और जो है हमारे अन्य जो शहर के जो नामी उन लोगों का सम्मान किया गया। इस तरह से ये भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम समापन करने की ओर जा रहा है। इसके बाद हम सर किस तरह के कार्यक्रम यहाँ हुए हैं उसके बारे में थोड़ा विस्तार, आपने कहा कि आप जो है ना यहाँ उत्तराखंड की संस्कृति से परिचित करवाने के लिए, तो किस तरह से आपने परिचित करवाया उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। ये होता है कि कुमाऊँ हो, गढ़वाल या कोई भी जौनसारी कहीं का भी हो, तो वहाँ के कलाकार आके यहाँ मंच में अपना कला दिखाते हैं और वहाँ से परिचित कराते हैं कि हम लोगों की क्या वहाँ के किस तरह से बोल हैं, किस तरह के गाने हैं, इस तरह से लोगों को परिचित कराया जाता है। सर आप अपना परिचय दीजिए, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? लक्ष्मीकांत जोशी हूँ और पिछले ग्रेटर नोएडा में मैं 17 साल से रह रहा हूँ, और ये कार्यक्रम जो हमारा है उत्तराखंड सांस्कृतिक समिति हर साल करती हुई आई है। पिछले 2 सालों से कोरोना काल से नहीं कर पाए थे हम किसी कारणवश, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, तो इस साल हमने जो है 10वां कार्यक्रम किया है ये, और बहुत सफल रहा है कार्यक्रम, बहुत अच्छा प्रोग्राम बनता है। इसमें सारे लोग जो है गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी लोग मिल के अपने जो है नृत्य करते हैं, अपनी वेशभूषा पहनते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई ग्रेटर नोएडा में हम जैसे लोग उत्तराखंड के लोग जो प्रवासी हो चुके हैं वो एक जगह इकट्ठा होकर कार्यक्रम को करते हैं, बहुत अच्छा फील होता है उसका। सर आप अपना परिचय दीजिए, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? आज का प्रोग्राम आप देख ही रहे हैं, इसके अंदर में पूरा का पूरा रंगो रंग प्रोग्राम है, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर में उत्तराखंड सांस्कृतिक समिति के बारे में ज़्यादा बताया गया, सांस्कृतिक समिति नहीं संस्कृति के बारे में, उत्तराखंड की संस्कृति कैसे है। देखो हम इसमें बताया कि ऑलरेडी हम एक देवभूमि पत्रिका निकालते हैं एवरी प्रोग्राम से पहले, अनफॉर्चुनेटली कोविड में नहीं हो सका बिकॉज प्रोग्राम ही नहीं था, उसके अंदर में हम यही चीज़ें करते हैं जो उत्तराखंडी उत्तराखंड नॉट गढ़वाली उत्तराखंडी जो उत्तराखंडी हैं सैनिक हैं उत्तराखंड वीर बालाएँ हैं, जैसे रिसेंटली किसका है ऋतु जी का है रिसेंटली है, और भी बहुत सारे हैं, उनको हम अपनी मैगजीन में छापते हैं। उसके बारे में लेख हैं, व्यंजन है, मंदिर हैं जो आपको गढ़वाल में भी मिलते हैं और उधर भी मिलते हैं आपके इधर में कुमाऊं में भी मिलते हैं, वो सब मंदिरों के बारे में भी कुछ ना कुछ दिया है। तो आप पत्रिका के बारे में है कि आपको पत्रिका पढ़ने से उत्तराखंड का एक पहलू मोटा मोटी आपको मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। मैं मेघा राजपूत, आप देख रहे हैं 10 न्यूज़।